नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पतोड़ की सब्ज़ी एकदम आसान तरीके से घर पे हम इसे कैसे बना सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें ज़्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं होती है, एकदम इजीली और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे पतोड़ की सब्ज़ी बनाई है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया है, एक चम्मच भर के मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है, यानी चना दाल का आटा ले लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक चम्मच भर के गेहूं का आटा लिया है, ये हम बाइंडिंग के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। और देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हींग डाला है इसके अंदर, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिर्च पाउडर डाल दी है, एकदम थोड़ी सी डाली है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया का पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तेल का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा एक चम्मच मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है। अब पहले हम इस आटे को जो भी है हमारा, इसे हम अच्छी तरीके से इस चम्मच से पहले मिला लेंगे। इसके बाद देखिए, मैंने दो चम्मच भर के ही पानी डाला है, बिल्कुल ज़्यादा डाला नहीं है, ज़्यादा पानी हमें डालना नहीं है। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा जो ये बैटर है ये ज़्यादा ऐसा पतला हो जाएगा, ये हमें बिल्कुल पतला नहीं करना है। इसकी हमें एक लोई बना के तैयार करनी है, इसकी लोई बनानी है। किस तरीके से हमें इसमें पानी ऐड करना है, आटा कैसे गूंथते हैं हम, बस उस तरीके से गूंथेंगे। देखिए, इतना कम पानी डालने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा पतला हो चुका है, तो इसके अंदर में थोड़ा सा हम बेसन का आटा और डाल देंगे, चने की दाल का आटा। देखिए, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, और इसे अब मैं हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हाथ से हमें समझ में आता है कि जो हमारा लोई बनने वाली अच्छी तरीके से बनेगी या नहीं बनेगी, ये हमें समझ में आता है। पानी अगर ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, ये हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है। अभी एकदम लास्ट में फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं तेल ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी लोई बनने में आसान हो जाए। इस तरीके से हम पूरा सब मिक्स करके ले लेंगे। ये एक व्यक्ति के लिए बन के रेडी होती है फ्रेंड्स सब्ज़ी, ये बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, इतना नरम हमें ऐसे गूंद लेना है इस आटे को, और इसे हम 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ढककर इस तरीके से हम छोड़ देंगे। इसके बाद में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच भर के तेल डाला है, तेल भी गर्म हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ी सी राई डाल दी है, राई भी फूल चुकी है। और उसके बाद में ज़ीरा डाला, और ये थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे दर दरा सा मैंने इस तरीके से कूट लिया था अदरक और लहसुन को, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये 2 चम्मच भर के मैंने भुना मूँगफली का पाउडर डाला है, एकदम बारीक पीस लिया था मैंने इसे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बेसन डाला है, यानी चने दाल का आटा डाला है, 1/2 चम्मच के करीब डाला है। और इसे अच्छी तरीके से हम तुरंत चलाएंगे। इसे तेल में देखिए इस तरीके से बुलबुले आते हैं, आप देख रहे हो, इस तरीके से तले जाता है ये सभी मसाला। जो गैस की फ्लेम है फ्रेंड्स, एकदम बारीक है मेरे गैस की फ्लेम। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है, और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 ग्लास के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है, 1 ग्लास उबलते उबलते, वो 1/2 ग्लास हो ही जाएगा पूरी सब्ज़ी बनने तक। देखिए, 1 ग्लास भर के मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैं नमक डाल दूँगी स्वादानुसार, और थोड़ा सा मैंने और धनिया पाउडर डाल दिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था इसमें, इस सब्ज़ी में कोई ज़्यादा मसालों का मैंने यूज़ नहीं किया है, गर्म मसाले वगैरह। छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा जिसके हम लोई बनाने वाले थे, जिसके हम पतोड़ बनाने वाले हैं, आप देख सकते हो, इसे थोड़ा सा हम मसल लेंगे 1-5 मिनट रेस्ट के बाद। देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से मसल लेंगे, इसकी अच्छी लोई बन के रेडी हो जानी चाहिए। देखिए कितने अच्छे से बढ़िया बन चुकी है। अब इसकी हमें एक रोटी बेलेंगे बड़ी सी। थोड़ा सा मैं आटा लगा लूँगी आगे से पीछे से, ताकि ये हमारे चकली को चिटके ना। देखिए, इस तरीके से
ये चिपक ना जाए, इसलिए हम थोड़ा सा आटा लगा के पूरा अच्छी तरीके से ये बेल लेंगे। ये इसे हमें उठा उठा कर ही ऐसे बेलनी पड़ेगी, ये कोई फुलकों की तरह डायरेक्ट ऐसे बेले नहीं जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने भरपूर तेल डाला है, एक चम्मच के करीब तेल डाला है हमने इसमें। इस तरीके से तेल डालने से क्या होता है, वो नरम बनती है पतोड़ा हमारी और बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए इस तरीके से पूरी रोटी बेल जाएंगे हमारी, और देखिए ज़्यादा पतली नहीं है और ना ही ज़्यादा ये मोटी है, इस तरीके से हमें रखनी है ताकि ये उस सब्ज़ी के जो ग्रेवी में है अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसे हम कट करेंगे फ्रेंड्स, आप कोई भी शेप में कट कर सकते हो। देखिए इसे मैंने चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है, आप थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा कैसे भी आपको चाहो आप कट कर सकते हो, पर इतना साइज़ मीडियम ठीक है। देखिए इसे कट कर लेंगे हम, इस तरीके से जो टेढ़े मेढ़े कटे हैं उसको बाद में हम इकट्ठा करके उसकी फिर से एक लोई बना के फिर से हम उसे कट करके इस तरीके से चौकोर काट के ले सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ठंड के मौसम में ज्वार की रोटी के साथ, ज्वार बाजरे की रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स खाने को। ये बच्चे को भी खूब ज़्यादा पसंद आती है। देखिए कितनी अच्छे से तरीके से ये ऑटोमेटिकली सारे सब निकल के आ रहे हैं, एकदम अच्छे से देख सकते हो आप, एकदम रेडी है परफेक्टली। अब जो हमारा हमारी जो ग्रेवी है देखिए उसे उबाल आ चुका है, देखिए इसे अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है हमारे ये उतनी रोटी बेलने तक, इसे उबाल आराम से आ गया फ्रेंड्स, मीडियम आंच पे ही था सब कुछ। अब मैं ये जो है पतोड़ हमारे इसके अंदर बेसन के ये इसमें डाल दूंगी, ये सब हमें डाल देने हैं। अगर जितना मैंने यूज़ किया है पतोड़ के अंदर तेल पानी आप उसी हिसाब से यूज़ कीजिए। इसे एक 7 से 8 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं उबलने के लिए, एकदम स्लो आंच थी फ्रेंड्स। देखिए 7 से 8 मिनट के बाद ये थोड़ा और होना बाकी है ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए इसे मैं 2 मिनट के लिए फिर से रख दूंगी उबलने के लिए ढककर एकदम बारीक आँच पे, फास्ट आँच पे नहीं करना है वरना क्या होता है ये ग्रेवी सारी हमारी सूख जाएगी। अगर हम मीडियम आँच पे करेंगे तो जो पतोड़े हमारी अच्छी तरीके से वो सीज जाएंगे अंदर तक के, कच्ची नहीं रहेंगी। आप चेक कर सकते हो कि ये पतोड़ हमारी कच्ची है या नहीं, ये इस स्टेज पे अभी हो चुकी है, एकदम बढ़िया बन चुकी है। इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक भी हो चुकी है, बस इस तरीके से कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसकी। अब इसे एक प्लेट में निकालूंगी फ्रेंड्स, ये बच्चे आराम से इस तरीके से भाजी खा सकते हैं, पर बड़ों को अगर ज़्यादा तीखी सब्ज़ी चाहिए होंगी तो हम फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए थोड़ा सा तेल मैंने गर्म कर लिया है और मिर्च पाउडर डाल दी है और इसके ऊपर हम ये डाल देंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।